हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीपीएच बुक्स। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 143 के सॉल्व्ड आंसर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बीपीएससी 143 का सॉल्व्ड आंसर्स। यस फ्रेंड्स, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं आपको अच्छे मार्क्स लाने में और आंसर समझने में। और साथ ही साथ मैं आपको बुक भी बताने वाली हूँ जहां से आप ऐसे बहुत सारे आंसर्स रेफर कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको फुली सॉल्व्ड आंसर इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द फ्रेमवर्क टू स्टडी इलेक्शंस। इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूं। आंसर इज इलेक्शंस हैव बीन द यूजुअल मैकेनिज्म बाय व्हिच मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज ऑपरेटेड सिंस द 17th सेंचुरी। से इलेक्शंस चलते आ रहे हैं और डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिकेटिव ऑफ ओनली मिनिमलिस्ट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शंस हाउएवर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स डू नॉट ऑलवेज प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी अनलाइक द सस्टेनेटिव डेमोक्रेसी। पर ऐसा माना जाता है, कहीं ना कहीं कुछ जगह पर ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक कि हमेशा जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो आप इलेक्शन से शो नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेवर Nevertheless, elections are among the most significant feature of democracy in India. But in India, election सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है democracy के लिए। अगर India में democracy है तो elections बहुत जरूरी हैं उसे बनाए रखने के लिए। क्यों? At various level of their operation, national, state और local. देखिए, जो elections होते हैं वो national level, state level और local level पर होते हैं। Their significance has got further enhanced with the increased frequency of इलेक्शन इन इंडिया सिंस द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के जो लास्ट डेकेड थे तब से फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस इंडिया में हो रहे हैं और बहुत ज्यादा महत्व इनका बढ़ गया है। सिग्निफिकेंस गॉट फर्दर एनहेंस। ओके, टू स्टडी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्पेशली एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल इलेक्शंस हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द स्कॉलर्स जर्नलिस्ट एंड सेफोलॉजिस्ट। द जनरल इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस विच मेनली स्टार्टेड इन 1960s हैज गॉट फर्दर बूस्ट सिंस द 1990s। अ होस्ट ऑफ द पीपल सर्वे एजेंसीज फिलोलॉजिस्ट कंडक्ट सर्वे बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस टू कैटर टू द इमीडिएट नीड टू सेटिस्फाई द पब्लिक क्यूरियोसिटी एज वेल एज टू प्रोवाइड डेटा टू एनालाइज डेमोक्रेसी इन इंडिया। दिस इज नोन एज द सर्वे रिसर्च। द एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन बाय द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज न्यू डेली आर नॉट वर्दी सो फार एज द यूजेस ऑफ इट्स डेटा फॉर द यूजेस ऑफ द एकेडमिक एनालिसिस इज कंसर्न्ड। द इलेक्शन सर्वेस डन ऑन द मेटिकुलसली सेलेक्टेड सैंपल्स कलेक्ट डेटा ऑन द प्रोफाइल्स ऑफ वोटर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिलेट द इलेक्शन रिजल्ट टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। आंसर टू क्वेश्चंस लाइक इज इंडिया बिकमिंग मोर democratic are sought in the light growing participation of large number of social groups. Since survey research to study elections is time bound conducted before or after elections, they do not tell us what happens when elections do not take place. Paul R. Brass argues that if survey research is corroborated with the ecological analysis, we can be able to make much better analysis of political processes. Ecological analysis means the analysis of the data from the various region of a country or state within the country. These data could be about economic, social, educational, etc. profile of the people or the people living in a different areas. With the help of the correlation coefficient analysis, a relationship between the electoral performances of political parties with different social groups can be ascertained. Okay, elections कैसे होते हैं और जो उसको study करने के लिए data होता है वो कैसे provide होता है, वही मैंने सब कुछ इसमें आपको बताया है। So I hope ये video आपके लिए informative रही होगी। आप इसे answer को screenshot कर सकते हैं
हैं, स्टडी कर सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसकी बुक की। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जितने भी वीडियोज अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे वैल्यू एडेड वीडियो। जैसे मैंने अभी आपसे सॉल्व आंसर इस वीडियो में शेयर किया है, उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज भी आपको मिलेंगे और इग्नू के लेटेस्ट अपडेट्स भी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड द चैनल एंड यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दैट। ओके, अब बात करते हैं बुक की। फ्रेंड, इस बुक का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यू कैन ओपन gulibaba.com इन एनी ब्राउजर। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जरूर देख सकते हैं। ये बुक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर दी जा रही है इन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ अवेलेबल, एंड द टॉपिक्स आर कवर्ड यूनिट वाइज एंड यू कैन सी इट कंटेन्स द प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग द सैम्पल पेपर एंड द गेस्ट पेपर। ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल बुक एंड बहुत से इग्नू के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बुक को स्टडी कर अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पा चुके हैं। सो आई एम विशिंग यू द सेम, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।